साहब को और उनकी पूरी टीम, प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम और मेडिकल टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और उनके और उनकी टीम के मनोबल को उठा करके रखने की आवश्यकता है। और जिस तरह की तैयारी की है इन लोगों ने, जिस तरह की फैसिलिटीज़ आप कोविड पेशेंट्स को दी जा रही है, चाहे वो दवाइयों का हो या फिर खाने का इंतज़ाम हो या जो उनका काउंसलिंग की जा रही है, उससे आप देखेंगे कि मोतिहारी ज़िले में जो पीक था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की भी जो कार्रवाई थी, पहले 45 ऊपर वर्ष के लोगों को लग रहा था, कुछ दिनों से अब 18 और 45 वर्ष के लोगों को बीच में लग रहा है। और जो बताया गया जो बाकी स्वास्थ्य केंद्र हैं जो ब्लॉक लेवल पर हैं और जो अन्य जगहों पर हैं, तो हमने अभी पेशेंट से भी बात की, बुज़ुर्ग पेशेंट से भी बात की, अटेंडेंट से भी बात की, तो उससे कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ संतोषप्रद है और स्थिति दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जाएगी। तो इनका प्रयास काबिले तारीफ है। और जो पुलिस भी अब जो अभी लॉकडाउन है और आपने देखा होगा लॉकडाउन बढ़ा भी है, उसको काफ़ी सख्ती से पेश आ रही है और जो लोग इसमें गलत लोग हैं उन पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ताकि जो वास्तव में कोविड पेशेंट्स हैं ब्लॉक लेवल पर हों या जिला स्तर पर आए, तो हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों या आपके डंकन अस्पताल हो या दूसरा अस्पताल हो, सभी जगह ध्यान दिया जा रहा है। कंसंट्रेटर्स जिसमें ऑक्सीजन लगातार मिलेगा वो भी है, और आप भी जानते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो है उससे काफ़ी मदद मिल रही है, न सिर्फ इस ज़िले को लेकिन बगल के ज़िले को भी, बतिया ज़िले को भी, और भविष्य में भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। तत्काल इन्होंने बहुत सारे जो स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को संविदा पर लिया है एक साल के लिए और आगे करके, तो यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। और पटना से आप जानते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हेल्थ मिनिस्टर हैं, और हेल्थ की जो टीम है वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज की लगातार सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। और मैं यहाँ प्रभारी मंत्री के हैसियत से आया सर, पूरी तरह से कार्य किए जा रहे हैं, अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर चालू नहीं हो रहा है, इसलिए रोज आईसीयू में लोग मर रहे हैं। देखिए, वेंटिलेटर एक आप भी जानते हैं कि जो आपदा की स्थिति इस बार आई, ये ऐसा नहीं था कि इसके बिल्कुल प्रेडिक्शन था कि इतने ज़्यादा वेलोसिटी और इतना वायरल लोड के साथ आएगा, तो हर चीज़ में समय लगता है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी जो जिस तरह के एक्सपर्टीज की ज़रूरत है वो मुहैया कराई जा रही है। आपके ज़िले में ही आप खोज लें तो उस तरह के एक्सपर्ट में मिल रहे हैं। अभी कितने वेंटिलेटर्स चल रहे हैं? छः चल रहे हैं, जैसा कि डीएम बता रहे हैं। पीएम केयर वाला लेकिन उसको रिस्टोर नहीं किया जा सका? नहीं, पीएम केयर वाला हाँ, जो डीएम साहब बताएंगे।